नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है दही वाली भिंडी। भिंडी की सब्जी हम कई तरीके से बनाते हैं, प्याज के साथ, आलू के साथ। आज मैं बना रही हूँ दही के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। दही से भिंडी का चिपचिपापन तो दूर होता ही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद में पोंछ लिया है इसका पानी, क्योंकि ये चिपचिपी होती है तो पानी पोंछ लिया तो अच्छे से भिंडी बन जाती है। और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और एक कटोरी मैंने दही लिया है। ये खट्टा दही नहीं है, फ्रेश दही है। हल्का सा खट्टा आप ले सकते हो। तड़का मैं लगा रही हूँ अजवाइन से, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो जीरा या राई से तड़का लगा सकते हो। स्वाद अनुसार मिर्ची डाल सकते हो। लगभग एक चम्मच मैंने मिर्ची ली हुई है। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ। और तड़के में मैं डाल रही हूँ थोड़ा लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हो। तड़के के लिए तेल। और यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है और इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल गरम होने देते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया, मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ और लहसुन डाल देती हूँ। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं तो आप ना डालें। और थोड़ा सा भून लेते हैं। लहसुन और अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और गैस की आंच मैंने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया लहसुन का और अजवाइन भी अच्छे से भून गई। अब मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी भिंडी को। भिंडी को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने और गैस की आंच धीमी रखेंगे और ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। भिंडी को एक बार देख लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं भिंडी को एक बार। अभी आप देख सकते हो कि भिंडी में काफ़ी चिपचिपापन है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने और मैं इसे ढक देती हूँ। तब तक कि हमने जो मसाले लिए हैं, दही लिया है, अब उसे तैयार करते हैं। ये देखिए, ये एक कटोरी मैंने दही लिया हुआ है और इसी में मैं सभी मसाले डाल दूंगी। मिर्च डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। हल्दी पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। सभी मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। सभी मसाले दही में अच्छे से मिक्स कर दिए और अब मैं इसको भिंडी में डाल दूंगी। ये देखिए इसे अच्छे से डाल देंगे भिंडी में। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही के साथ जो हमने मसाले मिक्स किए हैं, सभी मसाले, दही, सब पूरी भिंडी में अच्छे से कोट हो जाए। और गैस की आंच धीमी रखेंगे अभी और 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर से चेक करेंगे। दही डालने के बाद भिंडी को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था, तो एक बार हम फिर से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए भिंडी का चिपचिपापन दही से दूर हो जाएगा। एक बार अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे हम। और गैस की आंच धीमी ही रखेंगे। 2 मिनट मैंने और ढक के पका लिया है भिंडी को, तो अब हम इसे बिना ढके ही पकाएंगे। देखिए और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और भिंडी का चिपचिपापन
आराम से दूर हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम ढक के इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने दही डाला है तो इसका मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम अब बिना ढके इसे पकाएंगे और धीमी आंच पर रखेंगे और बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो कि मैंने दही डाला था भिंडी में, तो दही से भिंडी का चिपचिपापन पूरी तरह से दूर हो गया, ये देख सकते हो आप। और जो दही है साथ में मसाले थे, वो पूरी तरह से अच्छे से कोट होके भिंडी के साथ लगे हुए, तो उससे बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है भिंडी में, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस 3 से 4 मिनट और लगेगा, धीमी आंच से भिंडी को पकने देंगे। देखिए, भिंडी भी अच्छे से पक रही है और मसाला भी अच्छे से भून जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने और पका लिया भिंडी को, आप देख सकते हो कि भिंडी अच्छे से भून चुकी है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, दही से उसका चिपचिपापन भी दूर हो गया और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से भून चुकी है भिंडी, तो भिंडी की सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म दही वाली भिंडी बनके तैयार है खाने के लिए, और आपने देखा कि भिंडी को बनाना कितना आसान है, और दही के कारण उसका चिपचिपापन भी दूर हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। भिंडी की सब्जी रोटी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि दही वाली भिंडी आपको कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।